तो जिन्होंने ना खाने पीने वाला संकल्प लिया है, हैं? अरे तो हम मिल नहीं पाए तुम्हें। ओह वाह, तो तुमने वहां कोई विषय तो नहीं बताया था, कोई प्रश्न तो किसी को नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं। आओ मां नजदीक, आज तुम्हारी अर्जी लगी। जो पानी भी नहीं पिया माता, ऐसे में उस नाल ब्लैक मोल ना करिए। काउ दिन हम अगर ना, अरे माता मान लो किसी दिन हम ना आए दरबार में, नहीं हाँ, ऐसा संकल्प नहीं लेना होता है। राम, अच्छा अच्छा गुरुजी कह रहे हैं आप दोनों आ जाइए, जो कुर्सी पर माता जी बैठी हुई हैं, बहुत वार्तालाप आपस में कर रही, आपसे ही कह रहे हैं। जी जी आप दोनों आ जाइए, हमारे बचपन की मन बचपन का, उनको बैठने दीजिए, आप आ जाओ, क्योंकि बहुत घर से भी कह रहे थे कि हमारी तो सुनी लेंगे, हम बहुत बीमार हैं, हमसे तो उठते बैठते नहीं बनता है, हमारी तो जिंदगी नरक है, लेकिन हमारी तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे। आ जाओ, तुम्हारी सुन ली गई है। बालाजी की दया। हाँ एक मिनट, राम राम, लो माताजी हमने लिख लिया जो हमें बालाजी की आज्ञा लगी, और जो आज्ञा लगी वो निकलेगा। क्या समाधान पाना चाहती हैं आप? हाँ आप मत बोलो, बोलो क्या नाम है बेटे का? बेरू। हाँ क्या हो गया है? बात नहीं सुनते बिल्कुल भी नहीं, कारण बताएं हम। बेटा नजदीक आओ, पढ़ी लिखी नहीं हो, अब आप आते किसी को बुला लें, हैं? नहीं नहीं हम भर नहीं, हम नहीं, वो हम पढ़ेंगे तो हम गला अपने हिसाब से पढ़ेंगे। कोई भी एक पढ़ा लिखा ज्यादा हो, वो आ जाए, जो ज्यादा पढ़ा लिखा, आप पढ़े लिखे ज्यादा, इन पर भैया कैमरा करो। आइए भाई साहब, जय जय गरबी गुजरात, आने दो आने दो। अरे हम पढ़वाए दो तभी माता जी, आ जाना। ए तैसे कूंदा, ओए कूंद जा, नाक जाते हैं तो ज्यादा पढ़ो लिखो, छलांग लगा जाए यार, कौन बुढ़ापा है, जवानी है। थोड़ा जल्दी आ जाओ, लेकिन ये गुजरात के टॉपर हैं, अपन तो स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे, मास्टर हमसे कहते थे आप पढ़ो ही मत, पढ़ गए होते तो आज अधिकारी बन गए होते, जे का जे बैठे पर्चा बना रहे। कोई बात नहीं, हम देखते हैं पढ़ा लिखा आ रहा गुजरात का आदमी, आओ कहाँ है? राम 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 राम। माता जी थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, आप उन्हें बैठ जाना। जय जय, बैठो। कहाँ से आना हुआ आपका? कच्छ भुज, हाँ मंडवी वगैरह के आसपास है क्या ये? नखत्राणा। हो आशापुरा मंदिर, ये पीछे अंबा धाम है, वहाँ भी माँ आशापुरा का सबसे बड़ा धाम है। वाह जय हो जय। कितने पढ़े लिखे आप? सिविल, बी सिविल इंजीनियर।
सिविल बी सिविल इंजीनियर। अभी हमें यहाँ कोई काम नहीं करना है, हाँ काम में आना है मुझे। वेरी गुड। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है हाँ। वो मैं खुद संभालेगा। वाह थैंक यू। हाँ दादा मेरा एक काम मेरी बच्ची का हो जाए। अरे अबे इनको हो जान दो, अभी आप इनके लिए आए, माता जी के लिए आए, अभी अभी इनके लिए आए हो। आप अपना पूरा पोती पत्र अपना ना मौसम बनाओ। अभी इनके लिए माता जी आप माइक ले लो। अच्छा इनको क्या दिक्कत है जरा पढ़ो इन्हें। अरे पूछना नहीं है, नहीं नहीं बताना है आपको, बताओ। ऐसा तो पढ़ के हम ही बता दे भी, हमने तो ये कहा था जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो वो आए। अगर ऐसा होता तो बागेश्वर धाम की जगह मेरे को भी ये क्या बात है। पढ़िए माताजी माइक थोड़ा नजदीक आओ। पूरा घर बिखर गया, माइक माताजी माइक से बोलो। हाँ या ना। बेटा गलत संगत में है, क्या सही है? कलेश करता परिवार में, उपद्रव मचाता। भैरू नामक बेटा 2020 से लव चक्कर में फंसा हुआ है, क्या सही है? घर में टोटका किया गया तंत्र विद्या, आपकी तबीयत खराब है और बेटी भी आपकी परेशान रहती है, दोनों गलत संगति में फंसे हुए हैं, सुधर जाएंगे। वर्तमान में आपका बेटा 4 महीने से बाहर है, आया नहीं है, किसी और के साथ है, आ जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। क्या यही है? दाम की जय। अरे मालिक जो तो बोल, जो सही लिखो। बाल बाल सही है, सही है। कोई खरा उतरेगा इस दाम के सामने, कोई टक्कर नहीं ले सकता। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं 6 बार विजिट किया है। मतलब तुम्हें बिटिया वाली अर्जी लगवाने हैं, क्यों और कोई काम करना ही नहीं है जिंदगी में? वाह इससे बड़ी कोई हमें कोई सेवा नहीं मिलेगी। वहाँ चरणरत। अच्छा कंचन कौन है? मेरी बेटी है। कंचन कौन है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? बेटी है। हाँ उसकी भी अर्जी लग गई। हाँ। जा बागेश्वर धाम की जय। वो भी सुधर जाएगी। वो तो उपद्रव कर रही है, इसी में पास ही नहीं हो रही 7 साल से। इसके लिए दोनों की हमें फोटो चाहिए। हाँ। आप घर जाएं, 11 दिन की अखंड ज्योति जलावें। हाँ। और हमको दोनों का चित्र दीजिए। हाँ। आप धाम आएंगी। हाँ। धाम पर हम विधान करेंगे। हाँ। एक मंत्र लिखा, ये पढ़े लिखे हैं ये बता देंगे। हाँ। आप नियम शुरू करो। हाँ। जाओ आज से तुम्हारे घर में अब टोटका से संबंधित तो उपद्रव नहीं होंगे। हाँ। और बेटा तुम्हारे कहने पर चलेगा। जय बागेश्वर धाम की। मैं हम 8 महीने से जब आप बिल्कुल प्याज नियम छोड़ दिया, दिया। बातें एकदम सही, सही है। किसी को बताई तो नहीं, नहीं। करेक्ट है? करेक्ट। मेरे एक जगह धन्यवाद भैया, हम लगा देंगे आपकी अर्जी। आपका नहीं, ये तो 100 वर्षों का बल्ब है। पावरा उस किसी को देखना है तो बागेश्वर चले जाइए। माइक ले लो आप, लोग कह रहे हैं। बोलो सदगुरु सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम की जय। हिंदू राष्ट्र में आज मैं एक चैलेंज से बात कर सकता हूं कि इतने सालों के बाद किसी भी हिंदू धर्म के लिए टक्कर न ले वाले जो भी कोई हमारे सामने आए हैं वो बागेश्वर बालाजी सरकार के नाम पर, जिसको हम धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जी के नाम से पहचानते हैं, वो उसको हम बोलेंगे वो 100 वर्षों का बल्ब है। तो जिस पावर उससे सप्लाई आ रहा है वो बागेश्वर धाम है। मैं वहाँ 6 बार पेशी करके आया हूँ। मेरी बच्ची का क्वेश्चन लेके आज मैं दरबार में पहुंचा हूँ। मुझे 100% विश्वास है कि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हमें जरूर बुलाएंगे। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। सतगुरु सन्यासी बाबा की। माता जी ने पानी का प्रण लिया था, जरा पानी की बोतल दे दो। जय हो भैया, जय हो, जय हो, आशीर्वाद, जय कच्छ गुजरात। दूर से प्रणाम। बैठो आपकी कुर्सी खाली है। माता जी ये तुम्हारे। अब ऐसे आज के बाद प्रण मत लेना, ठीक ना? हमारी प्रार्थना है कोई भी ऐसा प्रण ना ले कभी, ना खाने पीने का, ये हमारा विशेष निवेदन है। क्योंकि कई बार हम बहुत व्यस्त हो जाते, थक जाते हैं,
कई बार हम आ नहीं पाते समय पे, तो आपको बहुत ज़्यादा शरीर को पीड़ा नहीं देनी है, राम नाम के भजन से ही आपकी अर्जी लग जाएगी। ठीक, जींस के पैंट भी बहुत खतरनाक हो। आओ देखो, अब ये देश अली वालों का नहीं है, बजरंग बली का है। अब किसी को अगर हमसे दिक्कत है तो हम क्या कर लें, अपनी ठटरी भराए ज्यादा है, हाजमोला की गोली खाए वरना पेट खराब हो जाएगा। हम नफरत नहीं प्रेम के आदि हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हाँ, और भारत में हम राम नाम का झंडा फहरा करके ही मानेंगे। और गुजरात के पागलों, घर से बाहर निकलो, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र भी देंगे। जय जय श्री राम। क्या चाहिए जी, और कोई बात? एक प्रश्न और, पैर में दर्द रहता धन का योग बनेगा, पिता के पांव में दर्द नस की दिक्कत पीड़ा हो गई, कर्ज चुक जाएगा 2 वर्ष के अंतर्गत, धैर्य रखें आशीर्वाद है। कुछ तुम्हारी आदतें बहुत सुधर जाओ, माइक से नहीं बोल रहे, नहीं तो बेइज्जती हो जाए तुम्हारी, ठीक है? हाँ, तुम्हें क्रोध बहुत आ रहा है, उल्टे सीधे बहुत बोल रहे हो, बीच बीच में विचित्र बातें करने लगे हो, सुधर जाओ, कंट्रोल हो जाओ, पिता को भभूति ले जाओ, हम कर्जा के लिए कवच देंगे, मेहनत बहुत कर रहे, जाओ अम्बा जी तुम्हारी सुनेंगे और अम्बा जी ही तुम्हारी झोली भरेंगे आशीर्वाद। इस बार क्या है कि उतना भर नहीं रहा, अच्छा हाँ, पूर्व का जी जी बिल्कुल, मेला का ठीक, आगे तुम्हारा जय जय होगा आशीर्वाद, खुश हो, इसी में मंत्र लिखा। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। साधु जी, ओ साधु जी आओ। हाँ, VIPओं में से एक यहाँ VIP ले ले, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा।